दोस्तों, अक्सर ज़्यादा काम करने से हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर दर्द का कारण नसों में सूजन है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम को कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जान तक ले सकती है। दरअसल, जब नसें ठीक तरह से काम नहीं कर पाती, तब उसे वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। पैरों से ब्लड को हार्ट तक ले जाने वाली पैरों की नसों में वॉल्व होता है, और इन्हीं की मदद से ग्रेविटेशन होने के बाद भी खून नीचे से ऊपर की तरफ यानी हार्ट तक पहुंचता है। पर जब ये वॉल्व ही खराब हो जाते हैं, तब पैरों में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि खून ऊपर नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे बॉडी में ब्लड जमने लगता है, नसें कमजोर हो जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है, जिससे वे फूलना स्टार्ट कर देते हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इन वॉल्व के खराब होने का कारण हमारी डेली की कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि लगातार कई देर तक खड़े रहना। अक्सर मजबूरी में हमें काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां थक जाती हैं और नसें सूजने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि एक जगह पर खड़े रहने से ब्लड पर प्रेशर पड़ने लगता है। इसलिए जब भी आप खड़े हों तो थोड़ा बहुत टहलते जरूर रहें। दूसरा, लंबे समय तक बैठे रहना भी इस प्रॉब्लम को जन्म देता है, और रीजन सेम है। साथ ही ये बवासीर और कब्ज जैसी समस्याओं को भी बुलावा देता है। ये प्रॉब्लम ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को होती है। सिर्फ बैठना ही नहीं, बल्कि पैरों को मोड़कर बैठना भी ब्लड फ्लो को रोक देता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और खून एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में नसों का सूजना नॉर्मल है, इसलिए एक जगह पर पैरों को मोड़कर भी ज़्यादा देर तक ना बैठें। वो लोग जो ज़्यादा नमक खाते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और कई बार उसे कंट्रोल तक करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से नसें फैलना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे में किडनी फेल होने और लीवर की प्रॉब्लम्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें जो हम सभी में हैं, लेकिन इन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। पर इतनी छोटी प्रॉब्लम है कि हम इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। तो अभी इन आदतों को छोड़ दें और इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस बारे में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।